जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है टीए के रिगार्डिंग, यानी कि टीए के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आप विश्वास करो या ना करो, मैं अपनी जानकारी पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से दूंगा। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक बार कर लीजिए आपके काम आएगा। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी बवाल मचा हुआ है चारों तरफ कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। बहुत से भाई ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि भाई भर्ती नहीं आएगी, यूट्यूब चैनल पे भी अपने पे बहुत बवाल मचाया था, परंतु मैं कहना चाहता हूँ अब उन्होंने अपने रुख बदल दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि भर्ती आएगी। तो दोस्तों मेरी जेसीओ साहब हैं अपने, एक जेसीओ साहब हैं अपने, पर नाम भी नहीं बता सकता मैं आपको, यूनिट भी नहीं बता सकता, परंतु हाँ जेसीओ साहब हैं अपने, उनसे बात की है। अब आप पूछोगे कि क्या बात की है, दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जो मैं बताऊंगा आप विश्वास करो या मत करो, जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने बोला है कि आपके जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कहने से आप जनवरी या फरवरी तक अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि उसके बाद भर्ती आए या ना आए वो नहीं कह सकते, परंतु जनवरी और फरवरी तक भर्ती आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने बोला है कि नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के शुरू में टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी, ये देखो आप, ये टैब जुड़ चुका है ऑफिसर्स के साथ, ओआर का टैब जुड़ चुका है। तो दोस्तों ये टैब जुड़ने का मतलब है कि इसमें बार 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 कार्य चल रहे हैं। बहुत से भाई बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ उनसे, छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं आएगी तो ऑफिसर्स की भर्ती क्यों चल रही है, वो ऑफिसर्स किसे कमांड करेंगे? मेरा मानना यह है, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, ऑफिसर्स क्या बड़े सीनियर अधिकारियों को कमांड करेंगे, अपने सीनियर्स को कमांड करेंगे या जूनियर्स को कमांड करेंगे, यानी कि सिपाहियों को कमांड करेंगे? वे ऑर्डर किसे देंगे, क्यों चल रही है ऑफिसर्स की भर्ती? उन्हें कहीं टाइम लगाएंगे या उन्हें पाल लगाएंगे, पकाएंगे उन्हें? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहना चाहते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी खत्म हो चुकी है, मैं केवल बस यही छोटा सा जवाब लेना चाहता हूँ उनसे। एक्स सर्विसमैन की भर्ती चल रही है, टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की भर्ती चल रही है, एक्स सर्विसमैन में ऑफिसर्स की भर्ती चल रही है, उनका क्या अचार गिरेंगे? वे कमांड किसको करेंगे? कमांड सिपाहियों को तो करेंगे, जब कमांड सिपाहियों को करेंगे सिपाहियों की भर्ती आएगी। मैं मान रहा हूँ चार साल से भर्ती नहीं आई है, सभी को पता है, सब परेशान है, इस कार्य पे हम लगे हुए हैं। और नहीं आपको ऐसा लगता कि हम नहीं लगे हुए तो आप लोग 5 दिन हमारे साथ कार्य करके देखें। दोस्तों हम केवल फोन इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं चलाते, हम फोन चलाते हैं अपनी जानकारी जुटाने के लिए, ठीक है ना? बराबर जानकारी, हमारी पूरी टीम जानकारी पे लगी हुई है, कोई दिल्ली जाता है, कोई तहसील जाता है, कोई कुछ कार्य करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विनम्र मेरा निवेदन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बढ़ा दें थोड़ी सी। और दोस्तों एक चीज़ और बताइए, जिस साहब ने जितना अब की बार फिजिकल अहम होगा उतना ही अब की बार दोस्तों रिटिन अहम होना है, यानी कि पढ़ाई अहम होनी है अब की बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, टेरिटोरियल आर्मी का रिटिन बहुत अच्छा होने वाला है अब की बार, क्योंकि 4 साल से भर्ती नहीं आई है और फिजिकल भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो अपनी तैयारी करते रहें बिल्कुल भी। और दोस्तों एक चीज़ और है, मैं इसी में जोड़ूंगा कि नई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कि मेरठ एआरओ की वेटिंग लिस्ट लग चुकी है, अब किसी भी कहीं भी 20 तारीख तक जिसकी लगनी थी लग जाएगी, उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, मैं ये भी आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।